हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के बारे में। तो हम इसका काफ़ी बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आता है सबनेटिंग और सुपरनेटिंग के ऊपर, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो व्हाट इज़ अ सबनेटिंग? सबनेटिंग इज़ द आइडिया ऑफ स्प्लिटिंग ए ब्लॉक टू अ स्मॉलर ब्लॉक्स। कि अगर एक बहुत बड़ा हम ब्लॉक ले रहे हैं एड्रेस का, नेटवर्क्स का या सिस्टम्स का, तो हम उसको छोटे छोटे ब्लॉक्स के अंदर तोड़ देंगे, वो सब नेट है। सब मतलब सब ब्लॉक्स बनाना, एक बड़े ब्लॉक का सब ब्लॉक बनाना। सो इन दिस अ नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्मॉलर नेट्स विच आर कॉल्ड एज सब नेट्स, विद ईच सब नेटवर्क हैज़ इट्स ओन सब नेटवर्क एड्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क के अंदर तोड़ना, जिनको हम कहते हैं सब नेटवर्क्स, और हर सब नेटवर्क का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। अब जैसे कि हमने देखा था, एक नेटवर्क का क्या होता है, नेट आईडी और होस्ट आईडी। तो सब नेटवर्क का होता है सब नेट आईडी एंड होस्ट आईडी। तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम्स है, यहाँ पे कुछ और हम क्लास बी एड्रेसिंग का एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम्स एक स्विच से कनेक्टेड हैं, और फर्दर ये स्विच एक राउटर से कनेक्टेड है, जिससे कि ये जो पूरा नेटवर्क है ये अदर नेटवर्क से कनेक्टेड हो जाए और इंटरनेट से कनेक्टेड हो जाए, ठीक है। अभी जो स्विच है, इसका जो नेटवर्क एड्रेस है, क्लास बी का यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ एक एड्रेस हम ले लेते हैं यहाँ पे 141.14.0.0/16। सो स्लैश नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, तो 16 इसका क्या हो गया, CIDR नोटेशन, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो इट इज़ द लेंथ ऑफ द नेट आईडी। तो यहाँ पे क्या होगा, कितने एड्रेसेस होंगे मेरे पास, कितने होस्ट हो सकते हैं। आई कैन हैव 2^16 नंबर ऑफ होस्ट, ठीक है ये चीज। अब देखो इनके एड्रेसेस कैसे होंगे। सपोज ये सिस्टम ए बी एंड अप टू एन नंबर ऑफ सिस्टम्स है मेरे पास, तो इसका एड्रेस क्या हो सकता है, पहले वाले का इसका एड्रेस होगा 141.14.0.1, ऐसे इसका होगा 141.14.0.2, और ये कहाँ तक जाएंगे, ये ऐसे हो सकता है, ठीक है। सो इस तरह से हमारा एक नेटवर्क दिखता है जब हमने सब नेटिंग नहीं करी है। अब सपोज मैंने इसी पूरे नेटवर्क को सब नेटिंग कर दिया, मतलब इस पूरे नेटवर्क को मैंने स्मॉल स्मॉल नेट के अंदर ब्रेक कर दिया, तो देखो कैसे दिखेगा। अब ये सपोज एक सबनेट मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक सबनेट हम यहाँ पे बना रहे हैं, हम टोटल 4 सबनेट्स क्रिएट कर रहे हैं, देन एक सबनेट यहाँ पे है और एक सबनेट यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो मैंने अब इस पूरे सिस्टम को, जो ऊपर हमने पूरा नेटवर्क का सिस्टम बनाया है, उसको 4 स्मॉल सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ये सबनेट 1 है, सबनेट 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4। तो 4 सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब जो इंटरनेट का राउटर था, जो ये वाला एक राउटर था, वो अब भी रहेगा हमारे पास। तो एक राउटर तो है ही जो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, बट अब ये राउटर डायरेक्टली इनसे कनेक्टेड नहीं होगा, एक और प्राइवेट राउटर होगा, जिसको आप बोल सकते हो इट इज अ साइट राउटर। एक और राउटर होगा जिसको बोलते हैं साइट राउटर, और ये जो इंटरनेट वाला राउटर है इस साइट राउटर से कनेक्टेड है।
तो जो ये वाला राउटर है उसको अब भी ये जो पूरा सिस्टम है एज ए सिंगल नेटवर्क दिखेगा, बट इंटरनली विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्राइवेट राउटर हमने उस पूरे सिस्टम को 4 डिफरेंट सब नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब यहीं पे सबके अपने अपने स्विच, जैसे यहाँ पे था स्विच, और ये सब कनेक्टेड होंगे इससे, ठीक है। और हर सब नेट का अपना एक एड्रेस होगा। सपोज मैं इसको एड्रेस देता हूँ 141.14.0.0/18, देन इसको एड्रेस दिया हमने 141.14.64.0/18, इसका एड्रेस है 141.14.128.0/18, एंड इसका एड्रेस है 192। सो दिस विल बी 192.0/18। और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो स्विच है ये डिफरेंट डिफरेंट मशीन से कनेक्टेड है और इनके अपने अपने आईपी एड्रेसेस होंगे, ठीक है। सो अब इसमें देखो इसमें फ़र्क क्या पड़ा, इसमें फ़र्क ये पड़ा कि अब हर सबनेट का, नाउ ईच सबनेट कैन हैव ऑलमोस्ट 2^14 होस्ट। इसमें भी अराउंड 2^14 होस्ट हो सकते हैं, इसमें भी। तो जो नंबर ऑफ होस्ट हैं वो आप देख सकते हो कितने इंक्रीज हो गए, यहाँ पर टोटल नेटवर्क में कितने 2^16, जबकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे ऑलमोस्ट 2^14। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सबनेट निकलता है या जो सबनेट आईडी की हम बात करते हैं वो क्या होता है। तो ये तो सब नेटवर्क हो गया। अब जब हम सबनेट एड्रेस की बात करते हैं तो देखो इसमें कैसे हम सबनेट आईडी क्रिएट करते हैं। तो अगर हमारे पास n बिट्स का नेटवर्क आईडी था तो जो सबनेट आईडी बनेगा वो n बिट से ज़्यादा होता है, इसे मैंने लिखा है सबनेट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ नेट आईडी। तो यानी जो यहाँ पे नेट आईडी से, अगर नेट आईडी इतना था सपोज यहाँ तक, तो सबनेट आईडी इतना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया सबनेट आईडी और ये जो बाकी का ये होस्ट आईडी होता है। तो ये हो गया सपोज एन आई बिट्स का, तो ये हो जाएगा 32 - NI bits, ठीक है। सो इस तरह से हम अपना सबनेट देखते हैं। सो अब देखते हैं कि सबनेट एड्रेस क्या होता है। सबनेट एड्रेस क्या है, यही जो एड्रेस मैंने दिया है, मैंने नेटवर्क इज सबनेटेड द फर्स्ट एड्रेस इन द सबनेट इज आइडेंटिफायर ऑफ द सबनेट, जैसे कि यहाँ पे था ये, एंड इट इज़ यूज बाय द राउटर टू रूट द पैकेट डेस्टिनेशन फॉर सबनेट, कि इस राउटर पे इस सबनेट का आईडी ये वाला है, ऐसे ही, ठीक है। सो दिस इज सबनेट एड्रेस। अब ये क्या मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज नथिंग बट दिस इज द सबनेट मास्क, ये सब नेटवर्क मास्क है। ऐसे नेटवर्क का मास्क होता है, ऐसे ही सबनेट का भी अपना मास्क है, सबनेट आईडी एंड होस्ट आईडी। अब एक फार्मूला जो हमें निकालना है जिसकी मदद से हमें पता करेंगे कि एक्चुअल में ये 18 कैसे आया, वो होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो फार्मूला। वो फार्मूला होता है एन सब इज इक्वल्स टू एन प्लस लॉग बेस टू एस। इसमें एन सब है लेंथ ऑफ ईच सबनेट आईडी, ये है लेंथ ऑफ सबनेट आईडी जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, एन हो गया लेंथ ऑफ नेट आईडी, एन इज लेंथ ऑफ नेट आईडी, और एस है नंबर ऑफ सबनेट्स। सो एस इज नंबर ऑफ सबनेट। अब अगर इसी क्वेश्चन को, इसी वाले प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे एन सब निकालना है। सपोज मैं लिख देता हूँ इसको एन आई इज इक्वल्स टू एन कितना है, लेंथ ऑफ नेट आईडी कितना था यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हम 16 लेंगे, प्लस लॉग टू कितने सबनेट्स में डिवाइड किया 4, लॉग टू बेस 4,
तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 log 2, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 18। सो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे, इट मीन्स दैट सबनेट मास्क हैज 18 वंस एंड 14 जीरोस। सो 18 वन हो गए एंड 14 जीरोस। इसलिए जब आप इस प्रॉब्लम को देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने /18 लिखा है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन वी हैव रिटन /18। तो अब जब अगर हम क्लास बी के नेट मास की बात करते हैं, तो क्लास बी का नेट मास क्या होता है, 255.255.0.0। बट क्लास बी का सबनेट मास क्या हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे ये चेंज हो गया है, सो इट विल बिकम 255.255.192.0। तो ये सबनेट मास निकल के आएगा क्लास बी का। सो इस तरह से हम पूरा सबनेटिंग का कंसेप्ट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द सबनेटिंग, एंड नाउ वी विल सी अबाउट सुपरनेटिंग। सो अब देखते हैं सुपरनेटिंग के बारे में। सुपरनेटिंग बेसिकली इज रिवर्स्ड ऑफ सबनेटिंग। जैसे हम सबनेटिंग में स्मॉल सबनेट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, सुपरनेटिंग में हम बहुत सारे एड्रेसेस को मिला के एक सुपर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। सो इन दिस एन ऑर्गेनाइजेशन कैन कंबाइन सेवरल क्लास सी ब्लॉक्स टू क्रिएट ए लार्ज रेंज ऑफ एड्रेसेस। इन अदर वर्ड्स, सेवरल नेटवर्क्स आर कंबाइंड टू क्रिएट ए सुपर नेटवर्क। अब सुपर नेटिंग और सब नेटिंग में डिफरेंस क्या है, सुपर नेटिंग डिक्रीजेज द नंबर ऑफ वंस इन द मास, वेयर एज सब नेटिंग इंक्रीज द नंबर ऑफ वन इन द मास। सो सुपर नेट मास इज एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ सब नेट मास। सो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, या एक पहले मैं आपको बता दूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ सुपर नेट आईडी निकालने का। सो लेंथ ऑफ सुपर नेट आईडी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला, एन सुपर इज इक्वल्स टू एन माइनस लॉग टू बेस सी। ठीक है, बिल्कुल वही फॉर्मूला है, वहाँ पे हम प्लस कर रहे थे और यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं। सो एन सुपर इज नथिंग बट इट इज़ द लेंथ ऑफ सुपर नेट आई डी, इट इज़ द लेंथ ऑफ सुपर नेट आई डी, एन इज द लेंथ ऑफ नेट आई डी, वेयर एज सी इज द नंबर ऑफ क्लास सी ब्लॉक्स डेट आर कंबाइंड। सो नंबर ऑफ क्लास सी ब्लॉक्स डेट आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सुपर नेट आर कंबाइंड। ठीक है, सो दिस इज द फॉर्मूला, और अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो जैसे कि अगर मैं एक देखता हूँ कि हम कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स को कंबाइन करेंगे, तो उसका मैं पूरा एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ कि डिफ़ॉल्ट मास क्लास सी का और सब मास और सुपर मास में क्या डिफरेंस आता है। सो लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम पहले अपने नेटवर्क को क्लास सी के एड्रेस को 8 सबनेट्स के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो, ये तो डिफ़ॉल्ट मास्क है क्लास सी का। क्लास सी में जो एन है वो कितना होता है डिफ़ॉल्ट, 24, मतलब 24 वंस होते हैं और बाकी के 8 जीरोज़ होते हैं। अब अगर मैं इसको 8 सबनेट में तोड़ रहा हूँ, तो मैं पहले निकालूंगा नंबर ऑफ वंस कितने होंगे सबनेट मास्क में, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27। मैंने लॉग टू 8 को 3 क्यों लिखा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग टू 2 टू द पावर 3, और ये क्या हो जाएगा फिर 3 log 2 2, और लॉग टू बेस टू कितना होता है 1, तो ये 3 into 1 3 हो जाएगा। सो 24 plus 3 27। सो इसका मतलब क्लास सी के सबनेट मास्क में अगर मैं 8 सबनेट में तोड़ रहा हूँ तो कितने वन आएंगे, 27। तो वही मैंने यहाँ पे शो किया है, 27 वंस। तो ये है सबनेट मास्क। तो अब इसके अंदर देखो, नंबर ऑफ वंस इंक्रीज हुए, 24 से इंक्रीज होकर 27 हो गए। बट सुपर नेटिंग में हम क्या करेंगे, अब हम कंबाइन करेंगे 8 क्लास सी एड्रेसेस को
एक सुपर नेट बनाने के लिए। तो अब इसके नंबर ऑफ वंस निकालते हैं, तो वो क्या होगा, एन माइनस लॉग टू सी, जो हमने देखा था एन कितना 24 माइनस लॉग टू, और कितने कंबाइन कर रहे हैं 8, सो दिस, सो अगेन 24 माइनस 3 21 वंस। अब आप देखो नंबर ऑफ वंस ओरिजिनल से कम हो गए हैं इसमें, तो उसी को मैंने यहाँ पे शो किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो सुपर नेटिंग है वो बिल्कुल अपोजिट है एज सब नेटिंग, और इस एग्जाम्पल को आप यूज़ कर सकते हो अपने पेपर में एक्सप्लेन करने के लिए। सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ सब नेटिंग एंड सुपर नेटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।